हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यू नो ए नंबर विच इज रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आवर फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन द डिजिट्स एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन में बेटा, जब हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ स्टेप के बाद वो कैंसिल हो जाता है एंड उसका हो जाता है। जैसे 11/8 को डिवाइड करें तो 1.375 होता है। तो आफ्टर थ्री डेसिमल प्लेस इसका कंप्लीट आंसर आ जाता है 12/5 इज इक्वल टू 2.4। सो यू कैन से आफ्टर वन डेसिमल प्लेस दिस नंबर एंड। सो व्हाट इज टर्मिनल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? ए नंबर विच एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड, यानी कैंसल नहीं होता, बट हैज ए रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द कोसेंट। बट उसका जो कोसेंट होता है उसमें कुछ डिजिट के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, 285714, सो ऑन। आफ्टर सिक्स डेसिमल प्लेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 इज रिपीटिंग 0.181818। डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान से देखिए, टू डेसिमल एक्सपेंशन के बाद इसका जो डेसिमल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे बोलते हुए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन मीन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड but has a repeating blocks of digits in the quotient, mean after two decimal place, after six decimal place. Is that clear? These two types of decimal expansion, terminating decimal expansion or non and non-terminating repeating decimal expansion, R is of type rational number. डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं या तो उसका टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा जो कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, या आफ्टर सम डिजिट्स वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन वाले केस में वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, एंड आवर थर्ड डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड एंड ऑल्सो हैज नॉट ए रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स। इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट एंड but has a repeating blocks of digits in the quotient,
But in the case of non-terminating, non-repeating decimal expansion does not end and also has not a repeating blocks of digits. ना तो ये end होता बेटा, end हो जाएगा तो terminating decimal expansion, end नहीं होता और repeat हो जाता है तो non-terminating repeating decimal expansion. और dear student, ना end होता और ना repeat होता, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732050806 पाई, द वैल्यू पाई 3.141592653589 7. इसमें ना तो एंड है बेटा और ना ही रिपीट है, तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये इरेशनल नंबर का होता है. तो बेटा जो थ्री डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अब हम इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं. Now we discuss about our terminating decimal expansion or non-terminating but repeating decimal expansion. So our first decimal expansion is terminating decimal expansion. Terminating. Decimal. Expansion. Suppose x is equal to p by q is a rational number. Dear student, suppose x is equal to p by q is our rational number. Prime factorization of q is in the form 2 raised to power m multiply m raised 5 raised to power n, where m and n are non negative integers or whole number. This type, if a prime factorization of q are in the form of 2 raised to power m multiply 5 raised to power n, then we can say the decimal expansion of that rational number is terminating. Dear student, q के यदि हम फैक्टर करें, वो फैक्टर या तो 2 raised to power कुछ भी आए, होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या 5 raised to power n, n भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर हो सकते हैं, समझ सकते हैं आप इसको. सपोज कीजिए 17/8, सो फैक्टर ऑफ 8 मीन q आर 2 रेज टू पावर 3, सो q इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 एंड वी कैन ऑल्सो टेक 5 रेज टू पावर 0. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन दिस रेशनल नंबर इज ऑफ द टाइप ऑफ दिस. सो वी कैन से decimal expansion of 17/8 is terminating. Is that clear? 3/25, so 3/5 square. Dear student, इसमें देखिए 25 जो जिसको हम q suppose कर किया हुआ है उसके factor बनाए तो 5 square आता है, तो ऐसे situation में इसके factor भी इसी type के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो number है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप का है. और देखिए बेटा 3 raised to power 15, सो 3/2 multiply 5 square, फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 multiply 5 square. तो ये जो तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जो थ्री एग्जाम्पल लिए बेटा, ये तीनों ही इस टाइप के हैं, तो जिनका प्राइम फैक्टर
इस टाइप का है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप विद सम अदर एग्जांपल्स। 3/8, सो फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2^3। सो वी कैन से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर बेटा? सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू p/q हमारे रेशियल नंबर है। एक एग्जांपल लिया हमने 3/8 और उसमें 8 के फैक्टर बनते हैं 2^3, जिसमें q के फैक्टर या तो 2 की फॉर्म में मिले या 5 या दोनों की फॉर्म में मिले, उनका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा टर्मिनेटिंग होता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी बनता है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। सपोज कीजिए 3/8 का विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी वांट टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8। हाउ टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8? सो डियर स्टूडेंट, 3/8 में जो 8 के आपने फैक्टर किए हैं वो 2^3 होना बेटा, और हमारी फॉर्म कैसी थी? 2^m मल्टीप्लाई 5^m। इसको बेटा जितने यहां पर 2 की एक्सपोनेंट है, पावर है, उतनी ही पावर 5 की बनानी है हमने, उतनी 5 की होनी चाहिए। आपको पता है यदि एक्सपोनेंट सेम है a^m b^m तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेसिस की कर सकते हैं ना, तो ab^5 हो जाता है। तो इसको हम 3/2^3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5^3 और डिवाइड करते हैं 5^3 से। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ऊपर वाले को, 5^3 मीन 125, मल्टीप्लाई बाय 3, 375। सो 375 डिवाइड बाय, नोट दिस पॉइंट बेटा, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 5 आर सेम, सो वी कैन मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 5 एंड एक्सपोनेंट रिमेन सेम, दैट इज 3। सो 10^3, सो वेरी इजी, 10^3। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 10 की पावर 3 है, तो 3 प्लेस से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 3, 7, 5, 1, 2, 3, तो यहां डेसिमल हम लगा देंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? बहुत इजी है, 2 और 5 की पावर आपने सेम बनानी है। और एग्जांपल लेते हैं बेटा इसी टाइप का, सपोज 7/5 स्क्वायर। अभी मैंने बताया था 2 और 5 की पावर सेम बनाएंगे, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाई विद 7, 28। नाउ नोट दिस एक्सपोनेंट विच आर सेम, सो वी कैन मल्टीप्लाई ओवर 5 एंड 2, दैट इज 10 स्क्वायर। नाउ वी टेक डेसिमल बिफोर 2 डिजिट्स, 0.2828। इन 2 से पहले हम यहां पर डेसिमल लगा देंगे क्योंकि 10 की पावर यहां पर 2 है। इज दैट क्लियर? वी टेक वन मोर एग्जांपल, 3/50। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 × 5 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट हमने 2 और 5 के एक्सपोनेंट सेम बनानी है। यहां पर 5 स्क्वायर है, 2 की पावर 1 है, तो हमें 1 पावर हो जाए 2 की, तो 2^1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 6, 2, 3 = 6, 2^1 एंड 2^1, 2^2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, सो 6/10 स्क्वायर, सो 0.06 इज
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/50. सो दिस इज द टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सपोज एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म 2^m इंटू 5^n. देन वी कैन से दिस नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 2^m 5^n, then we can say the decimal expansion of given number is a non-terminating repeating decimal expansion. Is that clear? Dear student, यदि q के factor में 2 है या 5 है या सिर्फ दोनों वही हैं, तो होता terminating decimal expansion. Other than कोई और factor है, तो उसको बोलते हैं non-terminating repeating decimal expansion. 7/15. So prime factorization 15 are 3 × 5. Here 3 is a factor other than 2 and 5. So we can say decimal expansion of this number is a non-terminating repeating decimal expansion. 2/140. So firstly we cancel 1/70. Now we will make prime factors of 70. 35, 5 7s are. So 1/2 × 5 × 7. In this number you have 3 factors, 2, 5, and 7. And you note very carefully, dear student, 7 is a prime factor other than 2 and 5. So we can say decimal expansion of 2/140 is a non-terminating repeating decimal expansion. So dear student, आज आपने decimal expansion, आपको पता 3 types का होता है, terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion और non-terminating non-repeating decimal expansion. शुरू की जो 2 type थी हमारी, वो type हमारे रेशनल नंबर की होती है. तो dear student, इस topic को अच्छे से करना. Thank you, students.